जी मैं प्रेम सिंह अंबेडकर, यस सर प्रेम सिंह अंबेडकर, जो ये मेरा जीवन है और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे वस्त्र पहनने को मिले हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिले हुए, इसलिए ये मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्मान, मेरा मान और सब कुछ मेरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इसीलिए मैंने बाबा साहब का जो नाम है वो अपने नाम के साथ जुड़ा है। जी ये हम आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष समिति के देश के 85% लोग हैं और हम लोगों की मांग है, हम लोग 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ है। हमारी मांग है कि जो पदोन्नति में आरक्षण है, जो लोकसभा में अभी तक ये केंद्र सरकार जो रही या तो कांग्रेस रही या बीजेपी रही, अभी तक तो फिर पास लोकसभा में नहीं किया, हम लोगों की मांग है कि ये लोकसभा में जो राज्यसभा में फिर पास हो गया तो लोकसभा में फिर पास किया जाए। और दूसरा समान शिक्षा इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन लागू है, हमारा समाज 5000 वर्षों तक जिसे शिक्षा से दूर रखा गया, कुछ मनवादी ताकतें जैसे आज की ये केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेशों में भी कई भाजपा सरकारें हैं, वो जानबूझकर शोषित समाज पीड़ित समाज का उत्पीड़न कर रही है। आप देख रहे हो कि 50.5% आरक्षण ये मनुवादी समाज के लोगों ने ले लिया है, 85% लोग इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक ये समाज को केवल 50% में बांध दिया, 49% में, 49% में, और ये 13% मनवादी लोग इस देश का 51% आरक्षण खा रहे और आरक्षण का विरोध करते हैं। इनका देखो मंदिरों में सारे के सारे मंदिरों में एक ही समाज के लोग बैठे, हमारे भल्लबीक समाज के धोबी समाज के, उन मंदिरों में हक अधिकार क्यों नहीं है? ये आरक्षण का विरोध करने वालों को मैं अपने और लखनऊ में मैंने बोला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दलित समाज का जो डिमोशन किया था तो हमने वो मंच से बोला था मुख्यमंत्री जी जिस समाज का डिमोशन कर रहे हो ये समाज मिलकर हमारा डिमोशन कर देगा। जी जी बाबा साहब ने जब कुछ समय कहा था, बाबा साहब ने इस पढ़े लिखे समाज पर जो उम्मीदें की थी कि जो पढ़ा लिखा समाज में जिसे शिक्षा का अधिकार दे रहा हूँ वो अपना कम से कम 8 घंटा समय इस समाज की सेवा में दे, लेकिन उस समय वो जो शोषित पीड़ित समाज ने सरकारी नौकरी पाकर DM SDM बनकर इस समाज के साथ बैठने का टाइम नहीं दिया, इस समाज को मौका नहीं दिया। अगर वो चाहते एक बाबा साहब ने इस दुनिया की दशा दिशा बदल दी, ये पढ़े लिखे लोग दुनिया में सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों ने उस समय धोखा दिया था। लेकिन आज वो सारे पढ़े लिखे लोग मान्यवर साहब ने इकट्ठे किए थे, मान्यवर कांतिराम साहब ने और बात से बनाई और सारे पढ़े लिखे लोगों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। जी तो ये पढ़े लिखे लोग आज आपको दिख रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की भारी संख्या है और ये अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं इस देश में। अगर हमारी आबादी 85% है, 87% हो गई है, तो हमें 87% हक चाहिए। उच्च पदों पर वो मनवादी लोग सभी बैठे हैं, इसीलिए तो वो डिमोशन करते हैं। अरे वो कोई केंद्र सरकार ने 50 साल उम्र का रख दिया है, उसमें दलित और पिछड़े समाज का ही शोषण होता है, उनकी सेहत खराब की जाएगी और उनको 50 साल उम्र के बाद सेवा से हटाया जाएगा। ये जो मूलवादी लोग हैं, ये RSS के लोग हैं, ये सर संचालक मोहन भागवत बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का रास्ता 13 दिन है, लेकिन ये 1000 से 2000 वर्ष पुराना भारत चाहते हैं। अरे क्या चाह रहे हैं? क्या 2000 वर्ष पहले इंसान के गले में हंडी और पीछे झाड़ू था? शर्मानी चाहिए मोहन भागवत जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समान हक और अधिकार दे बाबा।